साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश में 23 मई से शुरू होने जा रहे सत्र में काफी कुछ बदला नजर आएगा। इस बार न सिर्फ विधायकों की सीट निर्धारित होगी बल्कि सीट के साथ लगे मेज पर टैबलेट भी इंस्टॉल है। विधानसभा में विधायकों की सीटें बढ़ाई गई हैं और हर सीट पर टैबलेट लगाया गया है। यूपी विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। वहीं अब विधानसभा की सारी कार्यवाही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव उपलब्ध रहेगी, जबकि आज विधानसभा में सरकार के सभी मंत्रियों और 18वीं विधानसभा के सभी सदस्यों का ट्रेनिंग सत्र रखा गया है, जो विधानसभा के मंडप में ही होगा। इसमें सभी कोई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो सभी को विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि एक टीम भी रहेगी, टेक्निकल टीम, जो कि साथ में मौजूद रहेगी पूरी चीजों का। इस बार कागज से नहीं बल्कि ऑनलाइन सारी कार्यवाही होगी और उसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। और इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है सभी का। विधानसभा की कार्यवाही से पहले 2 दिन का प्रशिक्षण रहेगा और प्रशिक्षण के बाद ये कार्यवाही शुरू होगी। हालांकि अभी हार्ड कॉपी भी दी जाएगी ताकि जो सवाल जवाब होंगे वो हार्ड कॉपी के जरिए करा जा सके, ताकि किसी को असुविधा का सामना ना करना पड़े। और क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से मदद मिलेगी इस बार नई विधानसभा यानी कि ई विधानसभा में कार्यवाही के लिए? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र 23 मई से शुरू हो रहा है। उससे ठीक पहले विधानसभा का जो कार्यकाल कार्यक्रम होता था, विधानसभा प्रणाली जैसे चलती थी, जिस प्रणाली से, उसमें बदलाव लाकर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई होगी। आपको बताया कि कल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा ई विधानसभा, इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा का शुभारंभ किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, वहीं संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मौजूद रहे। इन सभी लोगों की मौजूदगी में कल ई विधानसभा का जो शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ आज से सभी विधायकों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। शिखा, अगर देखे तो लगभग जो 403 विधायक है, 403 विधायक अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और सभी के जो उम्र है वो सभी विधायकों में किसी कोई बहुत बुजुर्ग है तो कोई नया है। वही बुजुर्गों की अगर बात करें तो टेक्निकली रूप से वो उतने मजबूत नहीं है, जिसको लेकर विधानसभा सत्र में उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए NIC की टीम उन्हें आज प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण में उन्हें आपको बताया कि विधानसभा के अंदर में 379 सीट हुआ करती, इसको बढ़ाकर अब 403 सीट कर दिया गया है। पहले ये माना जाता था कि सभी सदस्य एक साथ मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि अब लोकसभा के जैसे सभी विधायकों की सीटों को आरक्षित किया गया हो, नेम प्लेट लगाए गए हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टैबलेट से लैस किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो उनके पासवर्ड है, साथ ही साथ लॉगिन आईडी है, वो नेवा के मदद से नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन जो नेवा के तहत चल रहा है, साथ ही साथ NIC के जो वहां टीम होगी वो उन्हें टेक्निकल हेल्प करेगी। ये दोनों जो लोग हैं, जो नेवा कंट्रोल रूम है और NIC प्रशिक्षण दे रहा है, ये लोग उनको प्रशिक्षण देंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि सभी विधायक जो है वो प्रश्न और जवाब टैबलेट के माध्यम से देंगे, क्योंकि ये पहली बार ई विधानसभा की शुरुआत है और पहली बार अगर देखा जाए तो देश के सबसे बड़े विधानसभा जहां आती है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा विधानसभा 403 उत्तर प्रदेश में है, तो ये एक चुनौती की बात होगी कि सभी विधायकों को टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना। इससे पहले नागालैंड में लागू है, मगर नागालैंड उत्तर प्रदेश की अगर तुलना में देखा जाए तो बेहद छोटा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विधायकों को ट्रेनिंग के लिए NIC को रखा है, साथ ही साथ जो कार्रवाई होगी इस पर कंट्रोल रूम बनाकर नेवा का उद्घाटन किया। नेवा सभी चीजों पर निगरानी रखेगी और टेक्निकली हेल्प करेगी। वही आपको बताएं कि कल से विधानसभा की सत्र शुरू है, 23 से सत्र शुरू हो रहा है, तो सत्र शुरू होने के दौरान जो भी तमाम कार्रवाई होगी, इसको पहली बार होने के नाते पेपरलेस विधानसभा सत्र होने के नाते पहली बार अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है, तो साथ ही साथ जो विधायक अभी
उसमें देखा जाए तो पूरी तरह से परिपूरित और वो पूरी तरह से ट्रेनिंग न लिए हैं, तो उनके लिए हार्ड कॉपी भी रखी जाएगी। मगर आगे की जो सत्र होंगे, जो 5 साल के बाद कार्यकाल होगा, उसमें वो पूरी तरह से वो सीख जाएंगे, जैसा कि NIC की तरफ से कहना है, नेवा की तरफ से कहना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कितना कारगर साबित हो पाता है। मगर अगर बात करें जानकारों की, तो जानकारों के मुताबिक अगर देखा जाए तो पेपरलेस सोसाइटी का जो गठन किया गया है, पेपरलेस विधानसभा का कार्यकाल चला जाए, ये बहुत ही बेहद खास होगा। क्योंकि देखा जाए तो तमाम कार्रवाइयां होती है, पेपर होते हैं, दस्तावेज होते हैं, तो मोटे फाइलें जो तमाम संबंधित विभागें होती है उसमें पैरोकार के माध्यम से जाया करते हैं। मगर इलेक्ट्रॉनिक होने के वजह से अब वो सीधे उस विभाग को मेल और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई खत्म होते उस विभाग के संबंधित समस्या हो या सुझाव हो, वो सीधे उस विभाग को मेल के थ्रू पहुंच जाएगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो संबंधित विभाग होंगे, कार्रवाई जो विधानसभा में होगी, उसके बाद वो किस तरह का रुख करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनके भी कामों में तेजी आती है। जैसे विभागशु पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा पूरी कार्यवाही को भी, और साथ ही साथ जितनी भी कार्यवाही होगी उसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, और ये पूरा डाटा एक जगह पे सेव भी रहेगा। तो ये कितनी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पूरा पूरा डाटा सेव रहेगा, पूरी जानकारी जिस भी दिन की चाहे कार्यवाही की निकाली जा सकती है। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है सुरक्षा का, क्योंकि जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, हैकर्स काफी सक्रिय नजर आते हैं, तो सदन की कार्यवाही में भी सेंध लगाने की कहीं ना कहीं संभावना है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी शिखा, आपको बताया कि विधानसभा के अंदर नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा का कल शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ से सभी जो टैबलेट होंगे उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड से लेकर और तमाम जो दस्तावेज होंगे, ये नेवा की टीम उस पर नजर रखेगी। और आपको बताया कि हैकर्स से भी उन्हें बचाने को लेकर उनकी तरफ से तमाम ऐसे प्राइवेसी लगाए गए हैं जिससे हैकर्स की नजर कहीं दूर रहे उस पर। हाल ही में आपने देखा कि तमाम सरकारी साइट ट्विटर पेजों को हैकर्स अपना निशाना बनाया, तो ये चुनौती का विषय होगा टेक्निकल टीम के लिए कि उसे कैसे हैकर्स से बचा सके। वहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा की कार्रवाई को सोशल मीडिया के अगर देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया का माध्यम फेसबुक एवं और यूट्यूब पे भी प्रसारण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो लोग विधानसभा की सत्र देखने में इच्छुक रहते हैं, उनके लिए बेहद ये अच्छा पहल होगा। क्योंकि अगर देखे तो तमाम कार्रवाइयां होती हैं, और आज के समय में अगर देखा जाए तो मोबाइल माध्यम पे अगर जो विधानसभा की कार्रवाई देख सकेंगे तो ये बेहद खास होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो विधानसभा की कार्रवाई अमूमन टीवी पे दिखाई जाती है, तो अब फेसबुक और यूट्यूब पे दिखाने से कहीं ना कहीं युवा के अंदर भी अब दिलचस्प बढ़ेगा, क्योंकि युवा अब टीवी के सामने नहीं बैठता, अगर कार्रवाई देखने में वो इच्छुक है तो वो मोबाइल पे आसानी से देख सकेगा। वहीं अगर देखा जाए जी, बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो पूरी तरह से ई विधानसभा यानी ई विधानसभा को डिजिटल कर दिया गया है, और अब डिजिटल रूप से ही सदन की सारी कार्यवाही करी जाएगी, और इसके लिए सभी विधानसभा के सदस्यों को 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ई विधानसभा का सत्र 23 तारीख से शुरू हो रहा है, जहां अभी तक जिन भी मुद्दों पे बात होती थी या फिर जिन भी चीजों में बदलाव किया जाता था, वो चाहे नए नियम पारित करना हो या फिर कोई भी अन्य चीजें हो, तो उन सभी के लिए कागज कलम का उपयोग करा जाता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से डिजिटल होगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश में महंगाई की मार झेल रहे लोगों के अच्छे दिन के सपने अभी फिलहाल टूटते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई की चौतरफा मार पड़ती दिख रही है, जहां दिल्ली में CNG के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में CNG की बढ़ी हुई कीमतों में आज से लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 6 दिनों के अंदर दिल्ली में दूसरी बार CNG के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG के लिए ग्राहकों को 75.61 रुपए की कीमत चुकानी होगी। नोएडा गाजियाबाद में CNG 78.17 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। कानपुर में
87.44 रुपए प्रति किलो सीएनजी पहुंच गया है और लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ में अपर कोट स्थित जामा मस्जिद को लेकर खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव ने अब मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जामा मस्जिद की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। केशव देव का कहना है कि जामा मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो पूर्व में हिंदू राजाओं का किला रहा है, इस पर एक समुदाय द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, इस तरह की बात लिखी गई है। आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता ने सीएम योगी को पत्र लिखकर इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। लगातार धार्मिक स्थलों को लेके विवाद गर्माता जा रहा है, जहां कई तरह के बयान और अपने मत लोग पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक और मामला सामने आया है, अलीगढ़ में भी अब जामा मस्जिद को लेकर कई आवाजें उठने लगी हैं। तो ये कहा गया है कि जो ये जामा मस्जिद है अलीगढ़ में, वहां पहले वो हिंदू राजाओं का किला हुआ करता था, इस पर एक समुदाय द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। और अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरह से ये बात कही जा रही है, लगातार देश में ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जहां कई धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चल रहा है, अपना अपना पक्ष रखते हुए लोग नजर आ रहे हैं, तो वहीं अलीगढ़ के भी जामा मस्जिद को लेकर अब ये बात कही गई है, सीएम को पत्र लिखा गया है, क्या कुछ लिखा गया है पत्र में? विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया और पत्र में ये कहा गया है कि जो जो मस्जिद बनी हुई है वो एक अवैध जगह बनी हुई है, वो आरटीआई के उसके आरटीआई जो रिपोर्ट मांगी गई थी उसमें ये जगह जो है सार्वजनिक बताई गई थी, तो उसके आधार पर एक पत्र लिखा गया है योगी आदित्यनाथ जी को और उसमें ये कहा गया है कि इस मस्जिद को लगातार तोड़वाने की बात कही जा रही है। जी, तो क्या इसके ऊपर भी कोई केस किया जाएगा? अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, तो क्या इसको भी अपनी मांग को लेके लोग कोर्ट जाएंगे? अगर बात कही जाए मांगों की और कोर्ट जाने की, तो लगातार केशव देव विवादों में फंसे जा रहे हैं, उनके ऊपर एक कल मुकदमा भी लिखा गया है। और नगर निगम की अगर बात की जाए, नगर निगम अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जितनी भी जमीन है ये नॉन अवेलेबल है, और मतलब सब मस्जिद मंदिर और मस्जिद सारी ये जमीनें जो है वो नॉन उसका जमीन पर बनी हुई है। जी, तो इसको लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई करने की बात चल रही है? जिस तरह से सीएम को पत्र भी लिख दिया गया है, तो क्या अब इसके लिए भी जो अलीगढ़ की जामा मस्जिद है इसको लेके भी कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है क्या? जी, केशव द्वारा ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो मैं आगे इसको कोर्ट में लेकर ही जाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा इस कार्रवाई को। जी बिल्कुल, और अगर बात करें स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस मस्जिद के बारे में? अगर स्थानीय लोगों की बात करिए तो स्थानीय लोग, हर समुदाय का लोग अपना अपना ही देखता है कि इसमें मंदिर हमारा मंदिर था, कोई कहता हमारी मस्जिद थी, 300 साल पुरानी मस्जिद है, तो इस तरीके से अभी और लोग आगे नहीं आए हैं और लगता है कि इस तरीके से जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है उसके हिसाब से केशव देव शर्मा जी पे कल एक मुकदमा भी लिखा गया है कि उनका माहौल बिगाड़ने का, विवाद बयानों के चलते उनका माहौल बिगाड़ने का बात कही गई है। जी नितेश, अगर इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बात करें तो कितने साल पुरानी और किसके द्वारा बनवाई गई है? अगर इस मंदिर की बात करी जाए तो 300 साल पुरानी मस्जिद है ये, और बहुत ही विशाल मस्जिद है, बहुत ही बड़ी जमीन में बनी हुई है, और इस मस्जिद में एक अगर एक अच्छी बात करी जाए तो उसमें 600 किलो सोना भी लगा हुआ है इसकी गुम्बदों में। जी बिल्कुल, और इसका जो निर्माण था 1924 में, वो सॉरी 1724 में शुरू हुआ था और 1728 में खत्म हुआ था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे इस खबर पे। तो आरटीआई कार्यकर्ता ने सीएम को पत्र लिखा है, पत्र लिखकर अपनी बातें कही हैं, और अब देखना यह होगा कि इसमें क्या मोड़ आता है।
रुक करते अगली खबर का। देश में महंगाई की मार झेल रहे लोगों के अच्छे दिन के सपने फिलहाल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई की चौतरफा मार पड़ती दिख रही है, जहां दिल्ली में सीएनजी के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। बता दें कि 6 दिन के अंदर दिल्ली में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी के लिए ग्राहकों को 75.61 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वहीं नोएडा गाजियाबाद में सीएनजी 78.17 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। कानपुर में 87.40 रुपए प्रति किलो सीएनजी मिलेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी की गई थी, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करी जाए सीएनजी की, तो उसके दामों में भी आज बढ़ोतरी की गई है। 6 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में दाम बढ़ाया गया है, 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी, और इसका असर अब देश के बाकी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सीएनजी की बात करें तो 75.61 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी सीएनजी लेने के लिए। नोएडा गाजियाबाद में सीएनजी 78.17 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, तो कानपुर में 87.40 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम पहुंच गए हैं। महंगाई की मार झेलने को पड़ रही है। तो एक बार फिर महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। जहां पहले इस जब ईंधन महंगे हुए थे तो रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग वजहों से महंगाई की मार देखने को मिल रही है तमाम ईंधनों पे। सीएनजी के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। कानपुर की मार जनता झेल रही है, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं, और कानपुर से हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है प्रवीण, तो वहां की जनता को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बढ़ती महंगाई से? देखिए शिखा, आपको बता दूं जिस तरह से लगातार अभी तक तो महंगाई बढ़ती आ रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का हवाला दिया जा रहा था कि वहां युद्ध चल रहा है, उसके कारण भी महंगाई का जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन अब जो लगातार दिन प्रतिदिन जो बढ़ोतरी की जा रही है 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, इस तरह से लोग काफी परेशान है। खासकर अगर बात की जाए, यहाँ दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद, तो दिल्ली में खासतौर पर जो रेट है 1 से 2 रुपए का फर्क होता है, अन्यथा इससे ज्यादा नहीं होता है। तो गाजियाबाद के लोग जो है, जो NCR से सटे हुए लोग हैं, जो कि दिल्ली में जाके CNG भरवा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनपे 1-2 रुपए का फर्क जो है, जिससे कि जो घरेलू सिलेंडर है, पेट्रोल है, डीजल है, तो सेम एक रेट हो गया है। अब सीएनजी का कोई महत्व नहीं रहा है, जो पहले लोग सीएनजी सिलेंडर लगवाया करते थे गाड़ी में, जिससे कि उनकी एवरेज भी रहे और साथ के साथ वो बचत भी हो कहीं ना कहीं। तो अब जो बराबर लेवल आ चुका है, जहां तक देखा जाए कानपुर में भी जो है काफी महंगा हो गया है वहां पर भी सीएनजी, तो वहां पर भी समझ लीजिए शतक पार कर रहा है, शतक के तकरीबन आ रही है स्थिति। तो लोग काफी परेशान दिख रहे हैं, और खासतौर पर जो अपनी गाड़ियों से जाया करते थे, कहीं ना कहीं अब मेट्रो का सहारा या अपना वैसे लोकल वाहन से जाना पसंद कर रहे हैं। जी उपेंद्र, कानपुर की बात करें तो 87.40 रुपए प्रति किलो हो गई है सीएनजी। सीएनजी वाहन का लोग इसलिए उपयोग करना अच्छा समझते थे कि ये थोड़ी सस्ती रहती थी, लेकिन ये भी अब 100 के करीब पहुंच रही है। कितनी परेशानी होने वाली है आने वाले समय में लोगों को? जी आप बता दें, कानपुर में जो प्रेजेंट टाइम में जो है सीएनजी रेट जो 87.40 रुपए हो गए हैं, 3.40 रुपए जो है वो अचानक से बढ़ोतरी हुई है कानपुर में। और कानपुर जो है इस सीएनजी की वृद्धि से जो है आने वाले जो ऑटो जो चालक हैं, जो से लोग सवारी तय करते हैं, उनके वाले जो कि अभी कल ही हाल ही में रात के टाइम ऑटो यूनिट की जो इनकी जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो ऑटो यूनियन बना हुआ है वो भी अपना किराया बढ़ाने का चक्कर पड़ा हुआ है। और जो रही बात डोमेस्टिक गाड़ी की रही है, वो जो आदमी पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी चलना ज्यादा अच्छा समझता था अपने आप को, वो अब क्या कहे, वो भी सोचेगा कि अब सीएनजी और पेट्रोल में कोई डिफरेंट नहीं रहा है। और उसके बाद जो ये सीएनजी है कानपुर में जो आसपास के जो क्षेत्र है सिटी के, शहर के, साउथ के जो भी क्षेत्र, उसमें घर पर भी सीएनजी की सप्लाई अब होने लगी है। अब घर वालों का जो कनेक्शन सीएनजी के लगे हुए हैं, उनके कनेक्शन पर भी बढ़ोतरी करी जा रही है। जी
प्रवीण, अभी दो दिन पहले ही गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े हैं, वो चाहे घरेलू हो या कमर्शियल हो, हर तरफ से महंगाई की मार जनता पे पड़ रही है। तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ती है, क्योंकि वो हर एक चीज का उपयोग करते हैं, वो चाहे गैस सिलेंडर हो या फिर गाड़ियां हो। और लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग आम जीवन व्यतीत करते, तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर चौतरफा मार पड़ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको बता दूं शिखा, लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के ऊपर ही जो महंगाई की असर पड़ रहा है देखने को खास तौर पे मिल रहा है, क्योंकि गरीब लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं बहुत बड़ी दुविधा का विषय पहले से बना हुआ है। खासतौर पर अगर इस महंगाई को अगर महंगाई की बात की जाए तो लगातार महंगाई इस तरह से चरम सीमा पकड़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो छोटे छोटे जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जो छोटे गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, तो उनके पास छोटे सिलेंडर हुआ करते हैं, तो वो भी बेचारे किसी तरीके से अपने छोटे सिलेंडर को भरवाने के लिए, क्योंकि जो लकड़ी का जो प्रचलन था वो सब अधिकतर समाप्त कर दिया गया सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि कुछ लोग जो है अब उस लकड़ी का भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब जो सिलेंडर की महंगाई लगातार देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं लकड़ी का उपयोग मजबूर हो रहे हैं लोग उस पर करने के लिए कि कहीं ना कहीं उनके कुछ चार पैसे बचे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे जोड़ पाए। तो ये महंगाई जो है लगातार देखने को मिले गाजियाबाद समेत एनसीआर में, तो ये महंगाई की मार जो है काफी बढ़ती इसलिए भी नजर आ रही थी कि सरकार का साफ तौर पे कहना था कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो वहां से जो क्रूड ऑयल वहां से आता है, कच्चा ऑयल आता है, जो यहां पर सप्लाई होती है जो चीजें, तो उनको लेकर खास तौर पे चिंता जताई जा रही थी, लेकिन अब वो सब चीजें दौर निकल चुका है, तो सरकारों को गरीब लोगों के लिए खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी राहत की कुछ खबर ऐसी सुनानी चाहिए जिससे कि लोगों काफी खुशी का माहौल बने। और क्योंकि बात की जाए जो मेट्रो है, काफी लोग ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूं, हमने रिपोर्ट भी देखी है कई बार ऐसी जगह पर, तो कुछ लोग घर से तो निकलते हैं गाड़ी लेके, लेकिन मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग में लगा देते हैं। अगर किसी को यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जाना होता है या फरीदाबाद जाना होता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मेट्रो पे गाड़ी लगा के उनको वो कन्वीनियंट पड़ती है, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, ट्रैफिक में जाम लगता है, तो उससे भी फ्यूल और सीएनजी की काफी खपत होती है, तो वो लोग भी काफी पैसा इससे भी अपना सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जी उपेंद्र, सीएनजी के महंगे होने से बाकी चौतरफा मार पड़ने से गरीब वर्ग के लिए एक और परेशानी ये भी है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करने से कतराने लगेंगे, क्योंकि अब उसके भी दाम बढ़ेंगे। सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके भी दाम बढ़ते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वालों का क्या कहना है, उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम दिनों? यहाँ जो ट्रांसपोर्ट जो है जिलों को जाता है और सीएनजी के जो दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो असर जो पड़ रहा है वो मध्यम वर्ग के लोगों को पड़ेगा, क्योंकि उनको डेली रूटीन जो है वो ऑटो रिक्शा चलना है उनको, और उसके बाद हाल ही में सीएनजी गैस एलपीजी गैस जो है वो भी रेट पड़े हैं। लगातार महंगाई की मार जो है केवल जो है यहाँ पर केवल मध्य वर्ग के लोगों को पड़ने वाली है, क्योंकि मध्य वर्ग के लोगों की जो सैलरी है आज भी कोविड से पहले भी उनकी सैलरी वही थी और आज भी सैलरी उनकी वेतन जो है उनका इतना ही है, पर जो लगातार वृद्धि पड़ती जा रही है ये असर जो है मध्य वर्ग के लोगों को पड़ना पड़ रहा है उनकी जेबों पे। जी प्रवीण, जो महंगाई है उसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी पे नहीं, अब बाकी अन्य चीजों पे भी पड़ने लग गया है, बाकी चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कोविड का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कई लोग बेरोजगार हैं और जो लोग पहले से बेरोजगार थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे, तो ये भी एक प्रमुख वजह है कि हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए लगातार जिस तरह से लोगों का जो कोविड के समय में जिस तरह से अपना रोजगार छूट बैठे थे लोग काफी परेशान रहे, लोग अभी तक उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बात की जाए अगर ऑफिस की तो वहाँ से भी कई लोग जी प्रवीण आपसे सवाल। जी बिल्कुल सीखा, देखिए जिस तरह से लोगों का रोजगार था कोविड के समय में अधिकतर लोगों ने अपना रोजगार खो बैठे, तो कहीं ना कहीं अब उनको रोजगारी भी जो है अपने खास तौर पे देखा जाए तो उनको अब रोजगार मिलने में भी काफी समस्या आ रही है। अगर बात की जाए ऑफिसों की तो ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग हैं जैसे फुल क्षमता से अपना स्टाफ रखते थे लेकिन वहां से भी अब कटौती करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर खासतौर पे जिस तरह से लगातार ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट से अपना सामान छोड़ना ले जाना, तो ये भी जब किराया महंगा होगा तो कहीं ना कहीं कटौती कहीं ना कहीं तो होनी है, तो ये जाहिर तौर पर तय है। तो आपको बता दूं जिस तरह से लोगों की अभी तक जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है वो तो खासा परेशानी है खासतौर पे, क्योंकि अपनी जेब से जो उन्होंने एक पूंजी जुटाई थी काफी समय से अपने बैंक बैलेंस उन्होंने जुटाया था, तो कहीं ना कहीं अब वो बैंक बैलेंस से अपना पैसा निकाल के इस महंगाई के दौर में वो अपना खर्च भी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं। और बात की जाए अगर स्कूलों की तो स्कूलों में भी ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक बच्चों का एडमिशन भी नहीं कराया, क्यों? क्योंकि पैसों को लेकर खासतौर पर माहौल जो है
पैसों को लेकर, नौकरी को लेकर यहाँ बना हुआ है। जी सिखा जी उपेंद्र, महंगाई की मार पड़ रही है हर तरफ। अगर कानपुर की बात करें, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहां पे हर वर्ग के लोग निवास करते हैं, और जिस तरह से देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वहां पे शुरुआती रेट में ही अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो आगे तक बढ़ते बढ़ते हर चीज का दाम बढ़ जाता है, तो इससे और इजाफा होगा महंगाई में। किस तरह से देखते हैं, इस पर रोक कैसे लग सकती है? लोगों का साफ कहना है यहाँ पे कानपुर में कि पहले जो है सब्जी की मार से एलपीजी, फिर सीएनजी, फिर बिजली कटौती, उसके बाद जो है आदमी जो है सरकार से ही अपील कर रहा है यहाँ का आदमी, क्योंकि कानपुर में ज्यादातर 80% लोग जो है फैक्ट्री में काम करने वाले लोग है। यहाँ पे लोगों का साफ कहना है सरकार जिस तरीके से महंगाई बढ़ा रही है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग मजदूर का जो प्रतिदिन का वेतन है उसको भी लगातार बढ़ाया जाए, पर सरकार इस बारे में कभी कहीं नहीं सोच रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों संवाददाता का, हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण जुड़े थे और उपेंद्र जुड़े थे कानपुर से, तो दोनों ही संवाददाता से हमने दोनों ही जिलों के बारे में जाना, और ये सिर्फ दो जिलों का नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश का मामला है, जहां लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। लोग परेशान है क्योंकि रोजगार के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, और रोजगार जिनके पास है तो वो भी अपने बजट को संभालने में परेशान है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।